एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ के हर जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में छोटे बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA यानी आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट डोज दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एनीमिया मुक्त अभियान को सीरियस लेने से अब प्रदेश में एनीमिया के मरीजों में भारी कमी आई है। अब इस अभियान में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। गौरतलब है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 महीने से 9 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। कैटेगरी में तो जैसा कि सर ने बताया कि जो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का स्ट्रेटजी है उसमें 6x6 की बात करते हैं हम लोग, यानी कि 6 लाभार्थी समूह होते हैं, उसमें हम लोग प्रोवाइड करवाना होता है जितने भी इंटरवेंशन है भारत सरकार के। सो इसमें जो 6 इंटरवेंशन में जो है आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करते हैं, देन सेकेंड में जो है आपका नेशनल डिवार्मिंग डे कार्यक्रम होता है उसमें एल्बेंडाजोल टैबलेट हम लोग खिलाते हैं, एंड एनीमिया की जो टेस्टिंग है वो किया जाता है। एनीमिया की टेस्टिंग के लिए प्रायोरिटी में हम लोग जो है प्रेग्नेंट वोमेन और एडोलसेंट जो गर्ल हैं उनको फोकस करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। सो भविष्य में ये जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं वो मदर भी बन सकती हैं, और प्रेग्नेंट वोमेन के लिए तो इम्पोर्टेंट ही होता है कि एटलीस्ट उनके पूरे एनसी काल में कम से कम जो है चार बार हीमोग्लोबिन की जाँच एटलीस्ट होनी ही चाहिए। सो इसके लिए अभी हम लोग सरकार की जो है वो प्रायोरिटी है कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग एनीमिया के लिए सघन एक जांच अभियान भी छत्तीसगढ़ में आयोजन करेंगे। भारत सरकार द्वारा हर महीने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए IFA सप्लीमेंटेशन का स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में पूरे देश में IFA सप्लीमेंटेशन का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन महीनों छत्तीसगढ़ लगातार देश में तीसरे स्थान पर बना रहा। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर VR भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ एनीमिया दूर करने के IFA सप्लीमेंटेशन में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए लगातार तीसरे स्थान पर काबिज है। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में इस अभियान में खासी तेजी आई है। जून 2022 में छत्तीसगढ़ देश में 6 स्थान पर था। गर्भवती माताओं का जो एनीमिया का परसेंटेज है वो है 51.5, और इस लिहाज से प्रदेश में एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ का संचालन हो रहा है, और उसके अंतर्गत जो है एक तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट किया जाता है जो वीकली आयरन फोलिक वीप्स के रूप में जाना जाता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रदेश में, इसका पूरे देश में जो है तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक पूरे देश में राज्यवार IFA सप्लीमेंटेशन के जरिए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 6 महीने से 59 माह के और 5 वर्ष से 9 वर्ष के 71.5% बच्चों को IFA सप्लीमेंटेशन दिया गया है। प्रदेश में इस दौरान 10 वर्ष से 19 वर्ष के 74.6% बच्चों, किशोरों और 95% गर्भवती महिलाओं और 61.6% शिशुवती महिलाओं को IFA सप्लीमेंटेशन की खुराक दी गई है। इन सभी समूहों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में IFA सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर 73.8% दर्ज किया गया है, जो प्रदेश के लिए खुशी की बात है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग एनीमिया मुक्त भारत अभियान में पहले स्थान पर आने के लिए प्रयास कर रहा है, जो प्रदेश को जल्दी ही मिल जाएगा।